नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील की भजियादंड ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं। इसकी जानकारी जब जनता से ली गई तो जनता संतुष्ट नजर आई। सभी ने कहा कि हमारे गांव की बहू ने बेहतर कार्य करवाए हैं। ग्राम के बुजुर्ग खरोले जी ने कहा कि जो कार्य विगत 20 वर्षों में नहीं हुए वो कार्य इन 5 सालों में हो गए हैं। इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी खुशी जनता में नल जल योजना से देखी गई। इस ग्राम पंचायत के सचिव श्री वाघड़े के कार्यों से भी जनता खुश नजर आई। जनता ने बताया कि ग्राम के सचिव अपने कार्यों को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और ग्राम की जनता के सभी कार्य समय समय पर करते रहते हैं। ग्राम पंचायत में क्या है तो अभी आपके जानकारी में आपने क्या क्या काम करवाए यहाँ? अच्छा, हमने अच्छी तालाब और खेत का काम, अच्छा पक्की नाली, अच्छा नाडेब निर्माण कार्य और शौचालय वगैरह। तो नाडेब में कितने मतलब ये कचरा घर बने? समथिंग 10। और क्या योजना है आपके पंचायत की और क्या करवाना चाह रहे हैं सर? अभी और कॉम्प्लेक्स बनवाना चाह रहे हैं इसमें, और शौचालय 2-3 सार्वजनिक होना चाहिए गाँव में, पर्याप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं तो इसके पहले आपने क्या क्या कार्य मतलब पास करवा के रखे हैं? सर अभी कम से कम 10 लोगों की और फाइल लगी हुई है। अच्छा। खेत तालाब के लिए अच्छा। नाक्षी तालाब करवाना चाहते हैं जो हितग्राम लोग है, और रोड़े के काम जानवरों के उपयोग के लिए, जो भी घरेलू उपयोग के लिए मोह भी पानी नहीं थी, लेकिन 5 साल में सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने पानी की टंकी बनवाई और घर घर नल जल की व्यवस्था कराई, और आज सभी हितग्राही जो गांव के लोग हैं मेरे पानी से संतुष्ट है। सभी के घर पहुंच पानी जाता है। दूसरी मोक्षधाम बनवाई ग्राम पंचायत भजियाडंग में, मोक्षधाम नहीं था तो मोक्षधाम बनवाई। तीसरी ग्रामों में रोडों की समस्या बहुत ज्यादा थी, यहाँ रोड 2-3 ही बनी थी मेरे कार्यकाल से, तो मैंने टोला पूर्ण करवा दी। गाँव भी पूरा हो गया मेरा, रोडों की 1-2 रोड बची है तो भी बनवाने के मेरे चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी करवा दी हूँ। हितग्राही मूलक जो काम है पानी का जीर्णोद्धार, तो तालाब जीर्णोद्धार करवाई हूँ। पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी तो 25-30 महीने खेत तालाब करवा दी। 100-150 लोगों के मेड़ बंधान हो गए, नाडेब आप रास्ते से आए होंगे तो देख रहे होंगे कचरा पेटी मेरे यहाँ 8-10 कचरा पेटी बनी हुई है। तीसरी चीज जो है पंचायत भवन में, जो हमारे पंचायत में जो आते हैं विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, कल्याणी पेंशन, सभी लोग 400-500 लोग है वो पेंशन के लिए इतनी दर दर पहले पहले भटकते थे, लेकिन आज सभी लोग संतुष्ट है। सभी के अकाउंट में हर महीने के 4-5 तारीख के इसमें पेंशन जमा होती है, तो सभी लोग संतुष्ट है। अपना नाम बताइए आप। सर भूषेन्द्र वाघड़े। विगत 5 सालों में अभी जो सरपंच है वर्तमान में, उनके द्वारा कितने कार्य कराए गए और आपने कितने कार्यों को प्रस्तावित किया और कितने फाइनल हुए? सर मेरे को यहाँ इस पंचायत में आए हुए 4 साल हो चुके हैं। इस पंचायत में आते बराबर मतलब बिल्कुल मुझे काम करा सदन की गाइडलाइन में सबने सभी काम कराया। जैसे यहाँ पर काम किया स्कूल में बैठना पड़ता था, मैं आया तो भी सबसे पहले पंचायत भवन बनवाया जो मेरी प्रायोरिटी का शासन की सबसे प्रमुख योजना में मानता हूँ, शासन के तरफ से जरूरतमंद लोगों को पेंशन देना, जो वृद्ध लोग, विकलांग लोग और मेरी सबसे प्रायोरिटी किसी पंचायत में रहती है कि मैं लोगों को सबसे पहले पेंशन सुप्रत करा। बाकी काम तो लाखों करोड़ों के होते रहते हैं, लोगों की जरूरत की मेरी सबसे प्रायोरिटी थी कि लोगों को 600 रुपये महीना मिलता है, वो गरीब के दुआ भी मिलती है और उनके जीवन यापन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा भी यहाँ पर मैंने लगभग 25-30 लोगों के नाक्षी तालाब केस करवाए हो, 100-150 लोगों के मेड़ बंधान के कार्य हुए हैं, 10 लगभग नाडेब कार्य कराया हो, जो शासन के गाइडलाइन के अनुसार CAP निर्माण का कार्य किया जा रहा था, इसी वर्ष मैंने CAP निर्माण का कार्य कराया। इस गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट लगवाया 3 साल ही, और ये गांव 2018 भी ODF हो चुका है, इसलिए मतलब खुले में स्वस्थ से मुक्त है ये गांव। लगभग सभी परिवार में मतलब इक्का दुक्का अगर जो अभी नए परिवार बने उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी 100% लोगों का शौचालय निर्माण कार्य किए जा चुके हैं। मेरे आने के बाद मैंने यहाँ 2 सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य कराया हो,
विधायक ने भी कुछ मिली तो एक रोड बनाया, दो एक रोड बनी है, एक विधायक ने जिससे सड़क बनी है छरिया को जोड़ने वाली, उसके बाद यहाँ 3 सभामंच बनवाया हूँ, अभी एक सभामंच और प्रतीक्षा मतलब राशि मिली वो भी बनवाऊंगा। तो शासन के गाइडलाइन अनुसार मुझे जो जो कार्य दिए जाते हैं मैं सभी कार्य मैं चाहता हूँ कि भाई हर परिवार को लाभ मिले, तो हम सभी लोग मुझसे संतुष्ट रहे। अगर आप चाहे तो ग्रामीण जनता से उपलब्ध मेरा जिला जा सकते हैं और विश्व बाला।